कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैं यूपी महोत्सव गई थी, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने वहाँ से जो कुछ भी लिया है वो मैं आप लोगों को किसी नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो बस मैं वही वीडियो लेके आ गई हूँ। आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने यूपी महोत्सव से मैंने क्या क्या लिया है। तो बहुत सारी चीज़ें ली हैं, मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है आप लोगों को बहुत कम लगे, बट जो कुछ भी मैंने लिया है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दिखाते हैं अपना फर्स्ट प्रोडक्ट। तो फर्स्ट चीज़ मैंने क्या ली है वो मैं आप लोगों को ली दिखा रही है हूँ, और कुछ चीज़ें गिफ्ट करने के लिए ली हैं तो वो सब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये कश्मीरी स्टॉल। ये स्टॉल है, ये ऐसे है, इसमें बॉर्डर बने हैं, और यहाँ इसके कॉर्नर कॉर्नर पे चारों तरफ ऐसे ऐसे फ्लावर हैं। ये कश्मीरी कढ़ाई है फ्रेंड, ये प्रिंट नहीं है, ये कढ़ाई है, ये धागे की कढ़ाई। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये फर्स्ट चीज़ मैंने आप लोगों को दिखा दी। और दूसरी मैंने ली है ये शॉल, ये भी कश्मीरी शॉल है, ये गिफ्ट के लिए है। ये व्हाइट कलर में है, और यहाँ पे ये ब्राउन कलर के इससे लीफ बनी हुई है, ये ऑरेंज कलर का है, फ्लावर बना है, इसमें रेड कलर के भी फ्लावर हैं, रेड ऑरेंज कलर के दो, और हाँ रेड नहीं पीच कलर है, और ये ब्राउन कलर के लीफ है। ये शॉल है, अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाया था वो स्टॉल था, और ये शॉल लिया है। ये है। दुपट्टा, ये बनारसी दुपट्टा है फ्रेंड्स, बनारसी प्रिंट है, और कपड़ा है इसका सिल्क कपड़ा है, चंदेरी सिल्क है, ये प्योर रानी कलर है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसी तरीके से मैंने चार दुपट्टा लिए हैं, और सबके प्राइस मैं सबका डाल दूंगी स्क्रीन पे, आप देख लीजिएगा। और एक दुपट्टा मैंने ये लिया है, ये येलो कलर का है। आपको कैमरे में थोड़ा सा अलग लगे, लेकिन इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है, ये थोड़ा सा डार्क है, डार्क येलो है, वह कैमरे में लाइट दिख रहा है। तो ये भी बनारसी प्रिंट का है। और ये एक दुपट्टा मैंने लिया है, ये गोल्डन कलर है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब आसानी से आप इसको ले लेंगे और ये टिका रहेगा। वैसे बहुत कुछ दुपट्टा है मेरे पास जो मैं बुध बाजार से लेके आई थी, बट उसका कपड़ा जो है इतना ज़्यादा हार्ड है क्योंकि वो टिकता ही नहीं है, क्योंकि ससुराल वगैरह में हम लोगों को सर पे दुपट्टा लेना रहता है, और तो वो टिकेगा ही नहीं, बट ये बहुत आसानी से टिक जाएगा ऐसे। और नेक्स्ट जो आपको मैं दुपट्टा दिखा रही हूँ, फोर्थ दुपट्टा है ये मेरा, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, बस ये मुझे इतना ज़्यादा खूबसूरत लगा, ये मैंने तुरंत ले लिया। ये देखिए इसका कलर कॉम्बिनेशन इतना खूबसूरत है कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, पता नहीं आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, ये कैमरा ठीक से दिखा पा रहा है या नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है फ्रेंड्स। तो ये फोर्थ दुपट्टा हो गया मेरा। नेक्स्ट ये स्टॉल फिर से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये स्टॉल है, ये पूरी भरी हुई कढ़ाई, पूरे में कढ़ाई हुई है, ये देखिए, ये। और लिया है मैंने एक वुडन ट्रे, लकड़ी की चीज़ें तो मैंने आप लोगों को दिखाई हैं, इतनी खूबसूरत खूबसूरत थी वहाँ पे कि देख के लगा चाह जा रहा था, तो मैंने एक छोटा सा ले लिया बस, यही लिया है। चादर, ये किंग साइज नहीं, ये सुपर किंग साइज चादर है फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैं आप लोगों को एक वीडियो छोटा सा लास्ट में डालूंगी, और उसको देख लीजिए कितना लंबा चौड़ा है। इसमें पिलो कवर इसी कपड़े में है, इसमें आपको काट के अलग से सिलवाना पड़ेगा, लेकिन कपड़ा इसमें कम से कम चार तकिया बन जाएगा, चार पिलो कवर है इसमें निकल जाएंगे, ये इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा है। और इसका कपड़ा जो है वो प्योर काटन नहीं है, बट ये ग्लेस काटन है, और बहुत ही अच्छा कपड़ा है, बहुत मजबूत कपड़ा है, और कलर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा क्योंकि ग्लेस काटन से उतना कलर नहीं निकलता है। तो एक ये चादर है, वीडियो में डाल दूंगी, उसमें आप लोग को इसकी लेंथ, इसका प्रिंट सब कुछ दिख जाएगा। और एक ये चादर है, इसी तरीके से मैंने चार चादर ली है,
सेम टू सेम मैंने दो चादर ली थी और एक इसका ग्रे कलर था, इसका मैंने लिया है। मतलब चार चादर लिए, दो यहाँ के लिए लखनऊ के लिए मैंने लिया है और दो मैं घर के लिए लिया था, उसको मैं भेजती हूँ क्योंकि बीच में कोई आया था तो उनके हाथ से मैं घर के लिए भेज दी हूँ मैंने वो चादर। और यहाँ पे बच्चों ने लिया है सन ग्लासेस, 100 100 रुपीज़ के थे ये सन ग्लासेस। कैसे लग रही हूँ मैं? मस्ती हो गई थोड़ी सी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बेटी के लिए है पिंक कलर, और ये सबसे छोटा वाला जो है मेरा उसके लिए। और मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने लिया है कड़ा, ये देखिए ये मेटल का है, मेटल का है ये, और इसमें छोटे छोटे मोती लगे हैं, आई थिंक आपको दिख रहा होगा या नहीं, बहुत खूबसूरत है ये। ये है एक, ये है इसी में देखिए अभी धागा लगा हुआ है, ये कांच का है। और कुछ वहाँ पे हैंडमेड चीज़ें भी मिल रही थी तो ये हैंडमेड है, ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है ये भी। वहां से मैंने लिया था ये सॉक्स, ये 3 पेयर हैं, 100 रुपीज़ में 3 पेयर। एक ये ग्रे कलर और ये ब्लैक, कार्बन ब्लैक है, ये पिंक कलर। और ये यहाँ पे लिया था, ये मेरी बेटी के लिए है, ये 3 बैंड, ये 30 20 20, ये दोनों 20 के हैं, ये 30 रुपीज़ के हैं। ये है कीरिंग, वहाँ पे नेम लिखवाया जाता है ऐसे, जिसका जो नेम होता है, जो भी लिखवाना हो आपको वो लिखवा सकते हैं। तो ये है, और क्या है, हाँ और एक चीज़ है, और इसमें है 2 इयररिंग, ये गिफ्ट के लिए है, ये लिखे। और ये वुड का है, तो ये 2 इयररिंग मैंने लिए हैं, ये दोनों गिफ्ट करने के लिए हैं फ्रेंड्स। तो बस यही थी मेरी शॉपिंग फ्रेंड, छोटी सी शॉपिंग थी, आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर ज़रा सा भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और इसमें कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबके प्राइस मैं सब स्क्रीन पे डाल दूंगी, तो आप लोग देख लेना स्क्रीन पे। तो बस फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्ते।